This is day 39 of Infinite Labs Presents Road to Sheru Classic Transformation Series. So finally, this is the final Q&A, and it's a more of a discussion part today. Today is not basically a Q&A, it's a discussion part. क्योंकि हम अपने last week में enter कर चुके हैं consistency series के बारे में. तो सबसे पहले start करेंगे, जो सबसे पहले मतलब एक common discussion है सारे के सारे participants में, what next, आगे क्या. So first of all, हमारा जो target है वो है कि जो हमारे हाथ में अभी है, right now है, हमें उसे अपना 100% दे के finish करना है. उस task को हमें 100% finish करना है. So, इसके बाद शुरू होगी आपको जो वीक 6 में आपने एडजस्टमेंट्स की अपने ट्रेनिंग के साथ, अपने डाइट के साथ, जो हमने वीक 3 के बाद ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रखा है उन चीज़ों को. लेकिन वीक 6 के बाद जब आपका वीक 7 आता है, तो आपका मेन पार्ट वहां से शुरू होता है. दिस वॉज अ टाइम, ये तब टाइम था जब मैं आपको मोटिवेट कर रहा था, आपको डेली इनपुट्स मिल रहे थे, डेली फीडबैक्स आपको मिल रहे थे. लेकिन इसके बाद शुरू होती है आपकी अपनी बारी, अपनी कंसिस्टेंसी को लेके. बिकॉज एंड ऑफ द डे हम हर दिन हर रोज नहीं होंगे आपको पुश करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए. लेकिन आपको जो आपने अपने माइंड में डिसीजंस लिए थे अपने आप को इस जर्नी में इन्वॉल्व करने से पहले, आपको उन डिसीजंस को रोज इवेल्युएट करना है और आपको देखना है कि आपने उसमें कितना एफर्ट डाला है और कितना एफर्ट नहीं डाला है. सो बेसिकली अगर हम बात करें कि आगे प्रोसेस कैसे रहेगा, क्या रहेगा, लेकिन उसमें आपको सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है कि आपका जो पर्पस है वो आपको कैसे फुलफिल करना है. अगर आपका जो फैट लॉस जर्नी आपने डिसाइड की थी और वो बहुत अच्छे ढंग से हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, तो उसको फिनिश करने के लिए जो छोटे छोटे टास्क मैं आपको देने वाला हूँ वो ये हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि जर्नी को ज़्यादा ओवर स्पीड करने के लिए डाइट को यहाँ से हमने कम नहीं करना है. अगर हमने थोड़ा सा उसको पुश करना है तो डाइट में बहुत थोड़े थोड़े छोटे छोटे माइनर चेंजेस करने हैं क्वांटिटीज़ को लेके. जो फूड आइटम्स आपको ऑलरेडी सेट बैठ चुकी हैं उनके बारे में आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्टिक टू दोज फूड आइटम्स. और जो क्वांटिटीज़ हैं वो इतनी कम करनी है कि हाँ हल्का सा डेफिसिट लेना है, ताकि आपके परफॉर्मेंस लेवल और एनर्जी लेवल्स पे कोई ज़्यादा इफेक्ट ना आए उस चीज़ का. बिल्कुल भी इतना ड्रॉप डाउन नहीं करना है आपको डाइट को कि आप ना ढंग से ट्रेनिंग कर पाओ, ना ही आप रिकवरी कर पाओ, बिकॉज उससे आप कभी भी कंसिस्टेंट और रेगुलर नहीं हो सकते. हाँ ठीक है, अगर हम किसी एथलीट की बात करें, प्रेप की बात करें, बॉडी बिल्डर की बात करें, दे कैन हैंडल दैट, बिकॉज उनको पता है कि उनका पर्पस आगे 20 दिनों में या एक महीने में उन्होंने स्टेज पे चढ़ना है. दे कैन पुश द थिंग्स, बट विद अ नॉर्मल लाइफस्टाइल लाइक यू, नहीं, मैं इस चीज को प्रेफर नहीं करता. बिल्कुल छोटे छोटे डेफिसिट होने चाहिए आपके कि अगले दिन आपका मन करे कि मुझे जिम जाना है. सो दैट्स अ डाइटरी अप्रोच और ट्रेनिंग अप्रोच. ट्रेनिंग में हमेशा अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश करो, हमेशा ही अपने आप को प्रोग्रेस करने की कोशिश करो, और मेक श्योर करो कि कोई भी ऐसा टाइम ना आए कि आप एक लंबा ब्रेक अपने वर्कआउट में दो. अगर ड्यू टू सम सीजनल वायरस, फीवर, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आता है, तो हाँ रेस्ट ले लो, डेफिनेटली रेस्ट लो. और उसके बाद जो आपका कम बैक होना चाहिए हफ्ते बाद या 8-10 दिन बाद, जब भी आपका कम बैक हो, तभी आप एकदम से पूरा 100% पुश नहीं कर पाओगे और करने की कोशिश भी नहीं करनी है हमें. हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द वेरी बेसिक्स अपने आप को आगे पूरा एक वीक लेके स्टैंड अप करना है, और फिर हमें उसी प्रोग्रेशन पे आ जाना है. जस्ट मेक श्योर करें कि बिना किसी वजह के हमें कोई लंबा गैप नहीं लेना है. और अगर हम किसी भी रीजन से वर्कआउट में, वेट ट्रेनिंग में गैप आता है, तो उसको कवर अप करने के लिए हम कहीं भी हों, हम एक लंबी वॉक कर सकते हैं उस दिन. 30 to 45 minutes की हम वॉक कर सकते हैं, चाहे हम कहीं भी ट्रैवल क्यों नहीं कर रहे. सो हर तरह की सिचुएशन के लिए, हर तरह के ट्रैवल के लिए हमें कोई ना कोई एक्टिविटी अवेलेबल होती है. जस्ट मेक श्योर कि हम उन चीज़ों में एक्टिव रहें. राइट, तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट. राइट, द बिगर पिक्चर. एंड ऑफ द डे the whole purpose of this series was to activate you, was to push you a little bit to get consistent, right? और अब हम बात करें कि सिर्फ consistency ही क्यों, consistency पे ही series को build करने का ये reason है, because it is the most vital ingredient in your entire life. आपकी चाहे वो खुद की job है या work है या कुछ भी है या in anything you ever want to progress, आपको कंसिस्टेंसी की हैबिट डालनी ही होगी. सो एक कुल मिला के इसकी जो बिगर पिक्चर है वो ये है कि
गेट कंसिस्टेंट इन ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर यू डू। हर रोज उन चीजों में छोटे छोटे एफर्ट डालने के लिए आप कंसिस्टेंट रहें और यू कैन लिटरली फेल द प्रोग्रेस। अभी हमें 6 हफ्ते हुए हैं राइट, और जिन जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी के साथ इसको फॉलो किया है, इस लाइफस्टाइल को फॉलो किया है, आई होप कि ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 30-40% आपका लाइफस्टाइल इसी चीज़ से इम्प्रूव हुआ है, और वो चीज़ है कंसिस्टेंसी। तो मेक श्योर कि आप जो भी करो कंसिस्टेंसी के साथ करो और किसी भी चीज़ में कोई लूप होल मत छोड़ो। सो दैट वॉज द बिगर पिक्चर, जस्ट स्टिक टू दीज पॉइंट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, माई Instagram handle is bodybuilding alchemist, will be given in the description box, and our coaching segment is Project Fit Human, given in the description box. If you have any query, just drop your messages there. See you there. Take care. Bye-bye.